हेलो फ्रेंड्स, निशी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से पालक पनीर की रेसिपी मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी रेसिपी। सबसे पहले हमें फ्रेश पालक चाहिए और उसके बाद से मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स पास रख लिए हैं। लगभग आधा के जी मैंने फ्रेश पनीर यूज़ किया, घर का पनीर है, मैंने घर पर ही पनीर बनाया था तो वो पनीर मैंने इस्तेमाल किया। पालक को मैंने फाइन कट करके कुकर में डालकर एक बिसल लगा लिया था, बिल्कुल फाइन हमारा पालक बिल्कुल अच्छे से एक ही बिसल में अच्छे से बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बनना स्टार्ट हो जाता है, उबल कर रेडी हो जाता है ये। चलिए फ़ौरन का सामान भी साथ में मैंने कट करके रखा हुआ है, देख लेते हैं। लगभग मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ली हुई जिसे क्रश कर लिया है और मिर्च प्याज और तेज़पत्ता है उसे हमने देख लिया। पार्ट में मसालों के लिए मैंने धनिया यूज़ किया, आप चाहे तो पिसा हुआ धनिया भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। साथ में कुछ खड़े मसाले हैं, प्याज मैंने एक बड़ा सा कट करके रखा हुआ 1 इंच, अदरक है और लहसुन की कुछ कलियाँ, धनिया का पत्ता है जिसे मैंने फाइन कट करके रखा है और टमाटर को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया हुआ है। आप चाहें तो इसे भी पेस्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने मटर यूज़ किया हुआ है। अब चलिए पालक को ना अच्छे से पहले फाइन पेस्ट बना लेते हैं सब, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना हमें। पालक पनीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले पालक को फाइन पेस्ट बनाना है। तो सारा का सारा पालक जो है थोड़े थोड़े करके मैंने इसे अच्छे से मिक्सर में डाल करके फाइन पेस्ट बना लिया था और सारा का सारा बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया था। अब चलिए मसाले जो हमने रखे हुए हैं, धनिया, जीरा, बड़ी वाली इलायची, दालचीनी, प्याज और लहसुन और अदरक जो हमने रखा है उसे भी पानी डालकर पीस लिया है। पीसने के बाद पानी पेस्ट बना लेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे ना, टमाटर को भी पीस लेंगे। मेरा मिक्सर छोटा है तो मैंने टमाटर को बाद में पीसने के बाद उसमें डालकर फिर पीस लिया था। मसालों को निकाल करके कटोरी में एक साइड में रख लेते हैं। पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, आप जैसा भी चाहो बड़े या मीडियम पीसेस में कट कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ में ही रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं किया हुआ है तो मीडियम साइज़ में रखा हुआ है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो हमारा नॉर्मल मीडियम साइज़ में पनीर कट करके मैंने रखा है। तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, वो भी फटाफट से गर्म हो गया था तो पनीर को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और इसे भी खूबसूरत गोल्डन होने तक भुनेंगे। जैसा कि हमारा पनीर आप सभी देख सकते हो खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है, तो सारा का सारा पनीर हम लोग निकाल करके एक अलग प्लेट में रख लेंगे। प्लेट में रखने के बाद चलिए अब तेल ज़्यादा है तो इसे निकाल कर थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल वापस से डाल लिया और बाकी का तेल निकाल दिया है। मेरा मीडियम फ्लेम पर गैस है और पालक जो हमने पीस कर रखा था उसे भी बिल्कुल अच्छे से हम लोग 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। 5 से 6 मिनट बाद भूनने के बाद आप लोग देख सकते हो बिल्कुल पालक जो होगा ना कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, देख सकते हो कितने आराम से निकल जा रहा है। तो सारा का सारा फिर इसे भी प्लेट में निकाल कर हम लोग रख लेंगे। तो सारा का सारा मैंने पालक और जो पनीर हमारा वो रेडी हो गया है, देख ही सकते हो आप लोग। चलो अभी इसे साइड में रखते हैं और अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों भुनने का काम हो गया है और कढ़ाई भी हमारी बची हुई है, गरम गरम कढ़ाई है हमारी। तो जो तेल हमने निकाल कर रखा था वो भी डाल लेंगे, थोड़ा तेल कम लगे तो थोड़ा और भी ऐड कर लेंगे। फिर हमने तेज़पत्ता, लहसुन, जीरा, मिर्च और प्याज कट करके रखा है ना उसे भी धीरे धीरे करके गोल्डन होने के बाद इसे भी प्याज को भी डाल देंगे और गोल्डन इसे हम लोग प्याज को भी गोल्डन कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले के लिए सबसे पहले मैंने मसालों में और भी थोड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें गरम मसाला यूज़ किया, गोल्डी का यूज़ किया हुआ मैंने गरम मसाला, आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी डाली हुई है, हल्दी डाला हुआ है। उसके बाद से इन सारे मसालों को हम लोग जैसे ही हमारा प्याज खूबसूरत सा गोल्डन सा होना स्टार्ट हो जाएगा हम लोग इसमें डाल देंगे फटाफट से, और डालकर अच्छे से चलाकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारा जो फ्लेम होगा ना वो बिल्कुल लो कर देंगे और लो करके इसे ढक देंगे। ढक देने के बाद लगभग थोड़ी देर चलाने के देंगे, उसके बाद फिर से मैंने ढक दिया था इसे, ढककर 5 मिनट तक इसे रखा हुआ था और थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसे चला दिया था, क्योंकि मसालों में पानी नहीं था तो वो जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर हम लोग इसे ढक देंगे। फिर से 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें जब तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया था साइड से, तो मैंने टमाटर, मटर और भुना हुआ जो पालक है उसे भी हम लोग डाल लेंगे। डाल करके अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद इसे ढक देंगे। ढक कर हम लोग इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे। हमारा गैस जो होगा फिर से लो फ्लेम पर होगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है हमें फ्लेम को। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जी या भुन करके डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं तल करके उन्हें अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम लोग चलाते रहेंगे। पालक की रेसिपी में हमें ग्रेवी बढ़ानी है तो हम लोग पालक में पानी और ऐड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करके चलाते भी रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल देंगे एक साथ पानी तो मसाले जो हमारे होंगे वो कच्चे कच्चे से फ्लेवर देंगे। तो इसलिए याद रखिए कि मसाले पकाते वक्त फ्लेम को लो करके रखिए और लो करके इन्हें बिल्कुल अच्छे से पकाइए। पकाने के बाद जब ये अच्छे से उबाल आने लगता है तो स्वाद अनुसार नमक और जो हमें पानी डालना है उस हिसाब से पानी हम लोग डाल लेंगे और पनीर को भी डाल देंगे। डालकर इसे भी मैंने 5 मिनट के लिए लगभग पकाया हुआ था मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम पर पकने के बाद हमारा जो पालक पनीर है वो रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर आप लोग आराम से इसमें
दूध या फिर मलाई होती है जो दूध की, वो डाल करके अच्छे से चला सकते हैं, इसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें ऊपर से डाला हुआ है, वो बिल्कुल बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चाहो तो साथ में पहले ही डालकर मिक्स कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक पालक की रेसिपी बनाई हुई थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, तो चैनल हमारा डिलीट हो गया वो वाला, तो इस वजह से वो वाली रेसिपी नहीं है। मैं कभी बनाऊंगी फिर से वीडियो, तो वो वाली रेसिपी भी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो सारा का सारा पालक हमारा पालक पनीर बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा धनिया डालकर मैंने गार्निश कर लिया है, साथ में ऊपर से इसे अच्छा सा बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा दिखने के लिए मैंने इसमें क्रीम का जो दूध वाला था ना उसे भी मैंने रखा हुआ है, उसे भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। आप लोग देख ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा सा मैंने दूध और मलाई जो है वो निकाल ली थी दूध से, तो वो मैंने ऊपर से डाल दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।